कोरोना वायरस दुनिया भर के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इस वायरस के कारण अब तक 41,261 लोगों की जान चली गई है और करीब 8,28,061 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इधर इटली, अमेरिका, स्पेन के बाद फ्रांस में कोरोना से मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। फ्रांस में पिछले 24 घंटे के दौरान 499 लोगों की जान चली गई है। अब तक फ्रांस में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,523 हो गई है। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारी जेरोम सालोमोन के मुताबिक फ्रांस में कोरोना वायरस से संक्रमित 22,757 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 5,565 डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। मरने वाले ये वो लोग हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। इधर इटली में सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है, जहां मरने वालों की संख्या 12,000 के पार पहुंच चुकी है। मंगलवार को इटली में 837 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि यहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,05,792 है। कोरोना से इटली के बाद अब स्पेन में सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन में एक दिन में 381 लोगों की कोरोना के कारण जान चली गई है। ब्रिटेन में एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। अब तक यहाँ 1,790 लोगों की मौत हो चुकी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।